अस्सलाम वालेकुम SLS सीनियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 5 करना है। नाउ ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक, पेज नंबर 17 ओपन करें। यहाँ डेट मेंशन करें 5 जून। डे है आज फ्राइडे। ओके, नाउ राइट दी बिगनिंग साउंड। हमने हर पिक्चर का फर्स्ट लेटर राइट करना है। फर्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, ये क्या है? बैलून, ये तो सबको पता है, गुब्बारा है। बैलून किससे स्टार्ट हो रहा है? बी। अब हमने बी राइट करना है। ऊपर से ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएं और नीचे से यहाँ से कर्व करें। ये हमारा बी राइट हो गया है, बी फॉर बैलून। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, ये फ़ैन है। फ़ैन तो सबको पता है क्या होता है? पंखा। फ़ैन अब किससे स्टार्ट हो रहा है? एफ़ से। अब हमने एफ़ राइट करना है, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा कर्व बनाना है और नीचे से स्ट्रेट लाइन और सेंटर से छोटी सी लाइन लगानी है। ये हमारा एफ़ भी राइट हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, ये फ़िश है। ये तो सबको पता है, फ़िश है, मछली है। फ़िश किससे स्टार्ट हो रहा है? एफ़ से। यहाँ भी हमने एफ़ राइट किया है। अब फिर हमने अगेन से एफ़ राइट करना है, ऊपर से कर्व और नीचे से स्ट्रेट लाइन और सेंटर से छोटी सी लाइन। ये भी हमारा एफ़ राइट हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, ये ऑक्स है, कुल्हाड़ी। अब हमने ए राइट करना है। यहाँ पर हमने सर्कल बनाना है ऐसे और यहाँ नीचे से टेल। ये हमारा ए राइट हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, एप्पल। ये तो सब खाते हैं, सबको पता है। एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है? ए फॉर एप्पल। अब यहाँ भी हमने ए राइट करना है, सर्कल बनाना है ऐसे और नीचे से टेल। ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, ये सबको पता है, डक। अब हमने डी राइट करना है। डक किससे स्टार्ट हो रही है? डी फॉर डक। ऊपर से स्ट्रेट लाइन और यहाँ से कर्व। ये हमारा डी राइट हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, ये बन। ये तो सबको पता है, बी फॉर बन। अब फिर हमने बी राइट करना है, ऊपर से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से कर्व, बी फॉर बन। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, ये कैप है, सबको पता है, टोपी है। सी फॉर कैप। अब हमने सी राइट करना है, हाफ सर्कल की तरह इसकी शेप है। हमने सी राइट कर दिया है। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, ये एग है। ये भी सबको पता है, अंडा है। अब हमने ई राइट करना है, ई फॉर एग। जैसे हमने ये सी बनाया है ना, वैसे अब हमने सी बनाना है पहले ऐसे और यहाँ अंदर से छोटा सा गोल। ये हमारा ई राइट हो गया है, ई फॉर एग। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। ये भी ई से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने फिर ई अगेन लिखना है ऐसे अंदर से गोल। ये हमारा ई राइट हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर देखें आप लोग, कैट। ये तो सबको पता है, बिल्ली। जैसे ऊपर हमने सी राइट किया है, वैसे हमने नीचे भी सी राइट करना है ऐसे, ये सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखें आप लोग पिक्चर, ड्रम। ये ड्रम किससे स्टार्ट हो रहा है? डी फॉर ड्रम। अब हमने फिर डी राइट करना है इस तरफ ऐसे। डी को अब हमने यहाँ से कर्व कर दिया है। अब ये पूरा पेज आपने अपनी मम्मा की हेल्प के साथ राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।